हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th एनसीईआरटी के फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं। उसे समझाऊंगा भी और उस क्वेश्चन को लिखवाऊंगा भी। और दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है, ठीक है ना। इस वीडियो की हर एक बात को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे YouTube चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है वह है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा विमाएं लिखिए। यह अदिश है अथवा सदिश, यदि सदिश है तो इसकी दिशा बताइए, ठीक है। पहला प्रश्न तो दोस्तों ये है, और ये यूपी बोर्ड एग्जाम में या बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया बहुत ज़्यादा, और वह क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण लिखिए। क्या है दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण लिखिए। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको लिखना है उत्तर, और उत्तर में दोस्तों आपको पहले तो हेडिंग डालनी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। जब दोस्तों आप इस हेडिंग को डाल लें, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पहले तो इसका चित्र बनाना है। इसका क्या बनाना है दोस्तों? चित्र बनाना है। यदि दोस्तों आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानना चाहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, कि होता क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसकी विमा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसकी दिशा क्या है, तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का चित्र बनाना है। और जब दोस्तों सेम इसी तरीके से आप इस चित्र को बना लें, इसके बाद दोस्तों आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों आप नहीं जान सकते कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, किसे कहते हैं, इसका मात्र क्या होता है, इसकी दिशा क्या होती है, इसकी विमा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इन सब के बारे में नहीं जान सकते यदि आपने ये चित्र ध्यान से नहीं समझा। तो दोस्तों, जब आप इस चित्र को बना लें, इसके बाद दोस्तों आपका काम है कि इस चित्र को ध्यान से समझना है। यदि चित्र ध्यान से समझ लिया ना, तो दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है, और मैं आपको इस चित्र को ध्यान से समझाऊंगा। दोस्तों देखिए, इस चित्र में दो बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? दो बिंदु। एक बिंदु ये वाला है, एक बिंदु ये है। मैं इसे बिंदु ए मान लेता हूँ, इसे बिंदु बी मान लेता हूँ, ठीक है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है दोस्तों। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। और दोस्तों, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच में भी एक और बिंदु है, बिंदु पी। एक और बिंदु है, और वह बिंदु है बिंदु पी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश की दोस्तों बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश की दोस्तों जो बीच की दूरी है ना, वो बीच की दूरी 2L है। कितनी है? 2L है। हमने 2L बीच की दूरी मानी है। दोस्तों आपके मन में ये भी तो क्वेश्चन बनना होगा कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी 2L ही क्यों रखी, L भी तो रख सकते हैं। तो दोस्तों अब आप इस बात को समझिए कि मैंने माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी 2L क्यों रखी, इस बात को समझिए। इसके लिए दोस्तों आपको एक उदाहरण समझना होगा। एक उदाहरण के माध्यम से ही आप इस चित्र को समझ सकते हैं कि मैंने माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी 12 क्यों रखी। दोस्तों आपने 8वीं 7वीं क्लास में मैथ तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। दोस्तों देखिए, मैंने एक लचकीर खींच दी है। क्या खींच दिया? लचकीर खींच दिया, और इस लचकीर के बीचों बीच मैंने एक संख्या मान ली है, संख्या 0। क्या मान लिया दोस्तों? संख्या 0। अब मैं दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 0 का आगे कौन सा नंबर आता है, तो दोस्तों आप कहेंगे 1 आता है। और 0 के पीछे कौन सा नंबर आता है, तो दोस्तों आप कहेंगे -1 आता है। मतलब 0 के आगे +1 आता है, 0 के पीछे -1 आता है। यदि दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 0 के पीछे क्या है, तो -1 है, और 0 का आगे कौन सा नंबर है, +1 है, तो मतलब 0 के पीछे -1 नंबर है और 0 का आगे +1 नंबर है। अब मैं दोस्तों ये कहूँ कि 0 से -1 की जो दूरी है वो मैंने L मानी है। कितनी मानी है? 0 से लेकर -1
की जो दूरी मैंने एल मानी और जीरो से लेकर प्लस वन तक की दूरी मैंने एल मानी। भाई दोस्तों प्लस वन से जीरो तक की दूरी एल और जीरो से लेकर माइनस वन तक की दूरी एल। अब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी प्लस वन से माइनस वन की बीच की दूरी क्या है। भाई प्लस वन और माइनस वन के बीच की दूरी क्या है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप क्या करेंगे, प्लस वन से लेकर जीरो तक की एल दूरी जोड़ेंगे और जीरो से लेकर माइनस वन तक की दूरी एल जोड़ेंगे। एल एल कितने हो जाएंगे, टू एल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि प्लस वन से माइनस वन की दूरी कितनी होगी, टू एल होगी। कितनी होगी दोस्तों, टू एल होगी। कैसे हुई, मैंने प्लस वन से लेकर जीरो तक की एल दूरी मानी, जीरो से लेकर माइनस वन तक की दूरी एल मानी और प्लस वन और माइनस वन की टोटल दूरी कितनी होगी, टू एल होगी, क्योंकि एल एल जुड़ गए। तो दोस्तों इसी तरीके से यहां में भी इसी चित्र में यही हुआ है, माइनस क्यू और पी तक की जो दूरी एल मानी और पी से लेकर प्लस क्यू तक की जो दूरी ही वो मैंने एल मानी। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू की टोटल बीच की दूरी कितनी होगी, टू एल होगी। कितनी होगी दोस्तों, टू एल होगी। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी मैंने टू एल क्यों ली, टू एल क्यों रखी गई है। अब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा होगा। तो दोस्तों इस चित्र को फिर से समझ लीजिए, हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, एक बिंदु प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में भी एक और बिंदु है, वह बिंदु पी है। और माइनस क्यू आवेश और पी तक की बीच की दूरी एल मानी और पी से लेकर प्लस क्यू आवेश तक की दूरी एल मानी और माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश की टोटल दूरी कितनी होगी, टू एल होगी। तो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश तक की दूरी को हम क्या मानेंगे, टू एल मानेंगे। यहाँ तक का दोस्तों आपको चित्र समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि वैद्युत विद्युत आवेश होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो दोस्तों देखिए, किसी बिंदु का एक आवेश क्यू तथा उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल को वैद्युत विद्युत आगुण पी कहते हैं। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, वैद्युत विद्युत आगुण किसे कहते हैं, किसी बिंदु का एक आवेश क्यू तथा उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल को वैद्युत विद्युत आगुण पी कहते हैं। अब दोस्तों आप इस परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझिए, किसके माध्यम से समझिए, चित्र के माध्यम से। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है किसी बिंदु का एक आवेश क्यू। दोस्तों हमारे पास दो आवेश है, एक तो माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। दोनों में से कोई सा भी आवेश ले लीजिए, चाहे तो प्लस आवेश ले लीजिए या माइनस आवेश ले लीजिए, ठीक है। किसी बिंदु का एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी, अब दोस्तों माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी क्या है, टू एल है। कितनी है दोस्तों, टू एल है। तो यदि दोस्तों मान लीजिए मैंने प्लस क्यू आवेश ले लिया है और प्लस क्यू आवेश की गुणा मैंने माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी 2l से कर दी है। दोस्तों हमारे पास दो आवेश, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। मैंने प्लस क्यू आवेश ले लिया और इस प्लस क्यू आवेश की गुणा इस 2l से कर दी। किससे कर दी दोस्तों, 2l से कर दी। तो दोस्तों जब मैं प्लस क्यू आवेश की गुणा 2l से करूंगा तो जो मेरा मान ज्ञात होगा, जो मेरी वैल्यू ज्ञात होगी, वो होगी मेरी वैल्यू वैद्युत द्विध्रुव आगुण। क्या होगी दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आगुण। और वैद्युत द्विध्रुव आगुण को पी से निरूपित करते हैं, किससे निरूपित करते हैं, पी से निरूपित करते हैं। यदि मैं प्लस आवेश या माइनस आवेश की कोई से भी एक आवेश की गुणा 2l से कर देता हूं तो उसके बाद जो मेरा मान ज्ञात होगा वह मान होगा मेरा वैद्युत द्विध्रुव आगुण। और वैद्युत द्विध्रुव आगुण को हम पी से निरूपित करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस परिभाषा में यही कहा गया है कि किसी बिंदु का एक आवेश क्यों तथा उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आगुण पी कहते हैं। यदि इन दोनों में से एक आवेश ले लूं और उसकी गुणा बीच की दूरी 2l से कर दूं तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी पी। क्या होगी दोस्तों, वैल्यू पी। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण किसे कहते हैं, आखिर होता क्या है वैद्युत द्विध्रुव आगुण। अब दोस्तों बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण का सूत्र क्या है, वह सूत्र भी तो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको अगली लाइन में लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण P बराबर Q गुणा 2L। वैद्युत द्विध्रुव आगुण P बराबर Q गुणा 2L। दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि माइनस Q या प्लस Q आवेश में से कोई सा एक आवेश ले लीजिए, उस आवेश की गुणा 2L से कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारी P। क्या आएगी, P। और P को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आगुण। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण को हम किससे निरूपित करते हैं, P से निरूपित करते हैं। तो दोस्तों यही किया गया है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण P बराबर होता क्यू गुणा 2L। क्या होता, क्यू गुणा 2L। अब दोस्तों बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है। सदिश, यदि सदिश है तो इसकी दिशा क्या है, ठीक है ना, यह क्वेश्चन आता है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आगुण एक सदिश राशि होती है, इसके दिशा माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो दोस्तों देखिए,
वैद्य जो ध्रुवागुण एक सदिश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा जो होती है ना माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आप क्लियर कर लीजिए कि वैद्य ध्रुवागुण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश होती है। अब बात आती है दोस्तों वैद्य ध्रुवागुण के मात्रक और विमायु पर। भाई आपको वैद्य द्विध्रुव आगुण का मात्रक और विमाय निकालनी भी तो आनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको वैद्य द्विध्रुव आगुण का सूत्र पता है, यदि दोस्तों आपको वैद्य द्विध्रुव आगुण का सूत्र पता है तो दोस्तों आप मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं और विमा भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि आपको वैद्य द्विध्रुव आगुण का सूत्र पता है। और दोस्तों आप कह रहे हैं कि हमें तो सूत्र तो पता ही है, पी बराबर क्यू गुणा टू एल, वैद्य द्विध्रुव आगुण का सूत्र होता है पी बराबर क्यू गुणा टू एल। तो दोस्तों क्यों को क्या कहते हैं, आवेश, क्यों को क्या कहते हैं, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता, कूलाम, क्या होता दोस्तों, कूलाम। और दोस्तों 2L क्या है, हमारी दूरी है, क्या है दोस्तों, 2L दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता, मीटर। अब दोस्तों कूलाम की और मीटर की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, कूलाम मीटर, क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलाम मीटर। भाई क्यों का मात्रक क्या होता है, कूलाम, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और कूलाम मीटर की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। तो दोस्तों वैद्य द्विध्रुव आगुण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, क्या होता है दोस्तों, कूलाम मीटर। अब दोस्तों बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों देखिए कूलाम की बीमा होती है ए, कूलाम की बीमा क्या होती है ए, और दोस्तों मीटर की बीमा क्या होती है एल। भाई दोस्तों मीटर को एल जो बीमा होती है वो एल होती है, मीटर की जो बीमा होती है वो क्या होती है, एल होती है, और कूलाम की जो बीमा होती है वो ए होती है। परंतु मीटर को यदि हम नापते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, यदि कोई चलने की दूरी है तो मीटर में नापेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में नापेंगे। तो दोस्तों कूलाम की बीमा क्या हो जाएगी, एलटीए, क्या हो जाएगी, एलटीए, क्या हो जाएगी, एलटीए, एलटीए ऐसे होगी कि कूलाम की बीमा ए होगी, मीटर की बीमा क्या होगी, एल होगी। और दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं मतलब समय में नापते हैं, तो समय की बीमा क्या होगी, टी होगी। तो तीनों की गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलटीए हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एलटीए हो जाएगा। तो दोस्तों कूलाम का मात्रक क्या हो, तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आगुण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, और इसकी बीमा क्या होती है, एलटीए, क्या होती है दोस्तों, एलटीए। तो दोस्तों आपको वैद्युत द्विध्रुव आगुण का मात्रक भी पता चल गया और इसकी बीमा भी पता चल गई। अब बात करते हैं दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आगुण के उदाहरण पर। भाई दोस्तों एक ये क्वेश्चन तो हमारा पहला वाला क्लियर हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा विमायन लिखिए, यह अदिश है या सदिश, सदिश है तो इसकी दिशा बताइए, यह क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण लिखिए। अब दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आगुण का एक उदाहरण भी समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आगुण दोनों एक ही हैं दोस्तों, याद रखना ठीक है ना। तो एक उदाहरण के माध्यम से दोस्तों हम वैद्युत द्विध्रुव आगुण को भी समझ लेते हैं। दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आगुण का जो बढ़िया उदाहरण है वह है HCl का, क्या है दोस्तों, HCl का। अब दोस्तों आप कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण HCl का उदाहरण कैसे है, मतलब दोस्तों HCl जो है वैद्युत द्विध्रुव आगुण का एक बढ़िया उदाहरण है। अब क्यों है इस बात को समझिए दोस्तों, देखिए HCl जो होता है ना हमारा, HCl जो होता है दोस्तों, ये HCl दो तत्वों से मिलकर बना होता है, कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, दो तत्वों से, एक तो H से एक Cl से। अब H पे जो आवेश होता है वो प्लस वन होता है और Cl पे जो आवेश होता है माइनस वन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जिन तत्वों में या जिन पदार्थों में वो एक दूसरे से कोई तत्व अपने आप में विपरीत हो और उनका गुणनफल क्या कहलाएगा हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहलाएगा। मतलब दोस्तों कोई दो तत्व आपस में विपरीत हैं और उनकी क्रिया की जाती है, क्रिया करके जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आगुण। तो H जो है प्लस वन है, Cl माइनस वन है, दोनों का जो हम गुणनफल करेंगे, दोनों की जब क्रिया करेंगे H और Cl की, तो हमारा क्या बनेगा, HCl। HCl क्या हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आगुण। HCl क्या है दोस्तों, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आगुण। तो दोस्तों हमारा वैद्युत द्विध्रुव आगुण का जो बढ़िया उदाहरण है वो है HCl वाला, ठीक है। H इसमें प्लस वन होता है, Cl माइनस वन होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आगुण की मान बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये फिजिक्स की भाषा में समझा रहा हूँ दोस्तों, यदि आप केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे तो कुछ और बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही दो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये दोनों मैंने क्वेश्चन आपको लिखवा दिए। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।